फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे शाही कचौड़ी। शाही कचौड़ी बनाने से पहले हमें उसका छोला तैयार करना होगा, तो आइए दिखाते हैं क्या क्या हम डालते हैं। यहाँ हमने काबली चना फुलाया था, रात में हमने पानी में से भिगो दिया था। इसमें जरा सा खाने वाला सोडा डालकर और सुबह इसे हमने बॉयल कर लिया। बॉयल इतना अच्छा होना चाहिए जो कि अच्छी तरह से मसल जाए। उसके बाद इसमें हमने चार आलू डाले हैं। आलू को भी हमने फोड़ कर इसी में डाल लिया है। ऐसे जनरल छोला हम लोग बनाते हैं तो उसमें आलू नहीं डालते, लेकिन शाही कचौड़ी में हमने आलू डाला है। और इसका मसाला, यहाँ हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट तैयार किया है। एक चम्मच इसमें हमने लहसुन का पेस्ट डाला है। यहाँ सूखा मसाला है जिसमें एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच मिर्चा, एक चम्मच जीरा गुलकी का पाउडर, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर है, नमक है स्वाद के अनुसार, यहाँ गरम मसाला है। और शाही कचौड़ी बनाने के लिए हमें सूजी का ज़रूरत पड़ेगा, जिसका हम डो तैयार करेंगे। सूजी में हमने एक कटोरी सूजी हमने लिया है, उसमें हमने 2 से 2.5 चम्मच रिफाइंड डाला है और हल्का सा नमक। पहले हम इसका थोड़ा सा सॉफ्ट डो तैयार करके रख देंगे और इसके बाद फिर हम छोला का तैयारी करेंगे। तो आइए पहले हम डो बनाते हैं। सूजी में हमने रिफाइंड और नमक मिक्स कर लिया है और इसका हम थोड़ा गीला डो तैयार करते हैं। हल्का हल्का पानी डालेंगे, थोड़ा सा गीला ही डो इसका रहेगा और इसे हम रेस्ट के लिए 15 मिनट तक छोड़ देंगे। गीला कपड़ा से ढक देंगे, ढकने के बाद इसे 15 मिनट हम छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद फिर हम इसे मसाला का इसका डो तैयार करेंगे। गीला डो तैयार कर लिया है, अब इसे हम ढककर रख देते हैं। हमने ऊपर चढ़ा दिया है छोला बनाने के लिए, तेल भी हमने डाल दिया है, तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। छोला हमें एक सिंपल सब्जी की तरह बनाना है। इसमें हम सारे मसाले को डाल देंगे। इसमें हम छोला और आलू सभी को मिक्स करके और 2 सीटी हम लगा देंगे। सिंपल सब्जी की तरह बनाना है इसे। उसके आगे हम फिर कैसे बनाते हैं शाही कचौड़ी वो बताएंगे। फिलहाल हम छोला बना लेते हैं जल्दी से। हमारा मसाला भून चुका है, इसमें हमने काबली चना और आलू सभी को मिक्स कर दिया है। अब हम इसे इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे। तो इसका ग्रेवी थोड़ा सा पतला होता है, डालकर इसे हम 2 सीटी लगा देंगे। बंद करते हैं। छोला बन जाने के बाद हम आलू का प्रोसेस करेंगे। छोला हमने रेडी कर लिया है, इसे हमने बॉल में पलट लिया है। तो हम इसका डो मिक्स करेंगे। हम डो तैयार करते हैं।
मिनट तक खूब अच्छी तरह मस लेंगे। कुछ चिकना डो इसका हम तैयार करेंगे, डो हार्ड नहीं होना चाहिए। हमारा रेडी हो चला है, एकदम चिकना हो गया है। अब हम इसका लोई काटेंगे, हाथ में थोड़ा सा आटा लगा लेंगे क्योंकि पहले ही हमने इसमें रिफाइंड पाउडर डाल चुका है। लोई थोड़ा सा बड़ा बड़ा रहेगा, इसका पूरी बड़ा बड़ा बनाएंगे। इसे हम चिकना कर लेते हैं। इसमें थोड़ा आटा लगाकर इसका हम पूरी पतला पतला बनाएंगे। इधर हमने कढ़ाई चढ़ा लिया है, इसमें हमने रिफाइंड डाल लिया है। जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम इधर पूरी बेल लेते हैं। आटा को हम फिर एक बार चिकना कर लेते हैं। इसे हम सूखा आटा में थोड़ा सा लपेट देंगे और तब इसे हम पूरी बनाएंगे। इधर तेल हमारा लगभग गर्म हो चुका है, फ्लेम को हम कम कर देते हैं। इधर हम पूरी बनाते हैं। थोड़ा सूखा आटा और डालेंगे ताकि चिपके नहीं। चुका है, अब हम तेल देखेंगे गर्म हुआ है या नहीं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पूरी डालेंगे। पूरा गर्म होना चाहिए। पूरी डालने के बाद हम इसका फ्लेम कम कर देंगे। अच्छी तरह सेक लेंगे। इस पूरी को हम निकालते हैं। इसी प्रकार एक और पूरी हम छान लेते हैं। अब इसमें हम दूसरा पूरी भी डालेंगे।
ब्राउन करने पर ही कुरकुरा होता है, इसलिए थोड़ा गोल्डन ब्राउन हमें करना पड़ेगा। अब हम इसे डाल देते हैं दोनों साइड से कोशिश करें। इस तरह हम बीच का पोर्शन फोड़ देंगे और इसमें हम छोले को डालेंगे। और इसके बाद इसमें हम ये दही डालेंगे। आप खट्टा बनाने के लिए इमली का पानी भी डाल सकते हैं। हम यहाँ केवल दही डाल रहे हैं। दही डालने के बाद इसमें भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा अच्छी मात्रा में डालेंगे ताकि इसका खुशबू चारों तरफ फैल जाए। बाद हम प्याज डालेंगे। जो प्याज नहीं पसंद करते हैं वो इसे स्किप भी कर सकते हैं। प्याज है, धनिया पत्ता है, टमाटर है, हरी मिर्च है। हरी मिर्च भी ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद हो तो ही आप डालें। और ऊपर से हम ये सेव है उसे डालें। इसे भी हम कुछ अच्छी मात्रा में डालेंगे, इसे टेस्ट भी काफी अच्छा आता है। हमारा शाही कचौड़ी बनकर रेडी है। आप लोग भी बनाइए, अपनों को खिलाइए और अपना मत हमें जरूर बताइए। मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।